नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल लॉ स्कोप में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक्शनेबल क्लेम के बारे में। तो व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा क्या होता है, इसके बारे में कहाँ प्रोविजन कर रखे हैं इंडिया के अंदर लॉ में, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा एक्शनेबल क्लेम की कहाँ दे रखी है। तो इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 3 में हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है, और एक पूरा कंप्लीट प्रोविजन के कैसे इसको हम लागू करा सकते हैं, कैसे हम इसके संबंध में सूट लगाएंगे, क्या उसके अंदर प्रोविजन रहेंगे, तो उसके बारे में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 130 से लेकर 137 तक इसके सारे प्रोविजन हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि एक्चुअल में एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम वन ऑफ द राइट ऑफ अ सूट, एक ऐसे अधिकार का दावा है या एक अधिकार को लागू कराने का दावा है जिसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं और दो चीज़ें नहीं आती हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं, वैसे ही हम इसको समझेंगे कि यदि आपने इस तरीके से इसको समझ लिया तो आपको कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो निम्न दो चीज़ें आती हैं, स्थावर संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ऋण का दावा जो अप्रतिभूत है, यानी कि अनसिक्योर्ड ऋण है, अनसिक्योर्ड डेब्ट है, यदि किसके संबंध में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उस ऋण को प्राप्त करने का जो दावा होगा वो क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। और ऐसे ही यदि जंगम संपत्ति की हम बात करें यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के फायदाप्रद हित का दावा जो संपत्ति दावाकर्ता के पास नहीं है और जिसे सिविल न्यायालय अंतोष देने के लिए पर्याप्त आधार देने वाला मानता है, ऐसा यदि कोई दावा है, ऐसा कोई अधिकार आपका है, तो वो एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। लेकिन दो चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आती। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में बात किया तो बंधक यानी कि जो मॉर्गेज और ट्रांजेक्शन होता है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाता। और ऐसे ही हम बात करें जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो गिरवी यानी कि प्लेज और आडमान यानी कि हाइथोफिकेशन, ये दोनों चीज़ें नहीं आती। तो हम बेसिकली इस डेफिनेशन को एक वर्ड में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, अनुयोज्य दावा एक ऐसी स्थावर संपत्ति के ऋण का दावा है जो अप्रतिभूत है, और जंगम संपत्ति के फायदाप्रद हित का दावा जो संपत्ति दावाकर्ता के पास नहीं है और जिसे सिविल न्यायालय अंतोष देने के लिए पर्याप्त आधार मानने वाला मानता है, लेकिन इसके अंतर्गत जंगम संपत्ति के संबंध में गिरवी और आडमान नहीं आता और स्थावर संपत्ति के संबंध में बंधक नहीं आता, तो ऐसा अधिकार का दावा एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की सेकंड वाला पॉइंट कि दो चीज़ों में जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित का दावा, ये कैसे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपने और मैंने एक ट्रक परचेज किया और ट्रक में आप और मैं 50-50% के पार्टनरशिप है। ट्रक को मैनेज मैं करता हूँ, चलाता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, सिर्फ आपने पैसा लगाया और आपका एक अधिकार है कि आप तो सिर्फ उसके प्रॉफिट में से 50% पाने के अधिकार हैं। तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी को मैनेज मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपका फायदाप्रद हित है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रक, तो उस प्रॉपर्टी में यदि मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ ये प्रॉपर्टी का, तो वो आपका जो दावा लगाने का अधिकार होगा वो क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। क्यों, क्योंकि आपको पहली बात तो आपका अधिकार उसमें है, दूसरा आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, और तीसरा यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था कि 50% शेयर का मेरा हकदार है, 50% आपका हक है, तो उस दशा में आपको पाने का हकदार है, कोर्ट भी, आप कोर्ट में दावा लगाएंगे, कोर्ट आपको सिविल सूट के माध्यम से आपको कंपनसेशन दिलवाएगा, अंतोष दिलवाएगा यानी कि रिलीफ दिलवाएगा, तो ऐसा अधिकार का दावा एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। तो ये तो हम जनरल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर कुछ पर्टिकुलर कुछ राइट्स को हमने एक्शनेबल क्लेम माना है और पर्टिकुलर कुछ राइट्स को एक्शनेबल क्लेम नहीं माना है, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हमें बहुत आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों को एक्शनेबल क्लेम माना है, कौन सा नहीं माना है। सबसे पहले बकाया किराया या भविष्य में दे होने वाले किराए का दावा एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। सेकेंड नंबर, संविदा से होने वाले लाभ का दावा, यह भी एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। थर्ड, फर्म में भागीदारी का दावा एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। भविष्य निधि का दावा एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। अग्रिम धन की वापसी का दावा एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय धन का दावा, यह भी एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया, वो कौन कौन से हैं इनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर आता है अंतर्वर्ती लाभ का दावा, अंतर्वर्ती लाभ का दावा एक्शनेबल क्लेम नहीं है। दूसरा, संविदा भंग की स्थिति में नुकसानी या क्षतिपूर्ति पाने का जो अधिकार होता है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। गिरवी का दावा एक्शनेबल क्लेम नहीं है। डिक्री का दावा एक्शनेबल क्लेम नहीं है। कॉपीराइट
कॉपीराइट नॉट अ एक्शनेबल क्लेम, बंधक का दावा एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्शनेबल क्लेम नहीं मानी जाती। तो आज की वीडियो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमसे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, जो नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।